अनित्य स्कंध ध्यान। अतीत में रूप था जो नष्ट हुआ है, वो सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण अतीत का सारे रूप बदल हो चुका है। वो सारे रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अतीत का सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में उत्पन्न हुआ है रूप, वो सारे वर्तमान का रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु के कारण ही उत्पन्न हुआ है। मगर ये वर्तमान का सारे रूप जल्दी बदल रहा है, इसलिए ये सारे वर्तमान का रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले सारे वर्तमान का रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। भविष्य में अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा रूप आएगा। आने वाले सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु के कारण ही उत्पन्न होगा। पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण तुरंत भविष्य का सारे रूप बदलते रहेगा। भविष्य का सारे रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। भविष्य में आने वाले सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले जो कुछ रूप है, वो सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से उत्पन्न हुआ, यानी कि चार महाधातु से उत्पन्न हुआ। अपना जैसा समझने वाले सारे रूप तुरंत बदल रहा है, इसलिए ये रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अपना जैसा समझने वाले सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूसरों को जैसा समझने वाले अन्य सारे रूप भी चार महाधातु से उत्पन्न हुआ है। दूसरों को जैसा समझने वाले अन्य सारे रूप तुरंत बदल रहा है, इसलिए अन्य सारे रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अन्य सारे रूप मुझे अपना वश में कभी नहीं कर सकता है, यानी कि वो सारे अन्य रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कठोर रूप है, सारे कठोर रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु के कारण उत्पन्न हुआ। पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण कठोर
सारे रूप बदल रहा है, इसलिए ये कठोर रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले कठोर सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम रूप है, सारे महीन मुलायम रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से ही उत्पन्न हुआ है। वो सारे रूप तुरंत बदल रहा है, इसलिए महीन मुलायम सारे रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मुलायम सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। उत्तम जैसा मानने वाले जितना रूप है वो सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से ही उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण उत्तम प्रकार के सारे रूप बदल रहा है। उत्तम सारे रूप ऐसे हैं तो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उत्तम सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नीच प्रकार के जो कुछ रूप है वो सारे नीच रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से ही उत्पन्न हुआ है। ये चार महाधातु बदलने के कारण नीच रूप भी बदल रहा है, इसलिए सारे नीच रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सारे नीच रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूर दूर में रूप है, बहुत दूर में रूप है। वो दूर में उत्पन्न होने वाले सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से ही उत्पन्न होता है, मगर पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण दूर के सारे रूप बदल रहा है, इसलिए दूर की सारे रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में जो कुछ रूप है आस पास में रहने वाले सारे रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु से ही उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण पास में सारे रूप बदल रहा है। पास में रहने वाले सारे रूप अनित्य है, अनित्य है,
अनित्य हैं, वो सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अतीत में वेदना उत्पन्न हुआ था, सुख दुख उपेक्षा। अतीत में वो उत्पन्न हुआ है, वो सारे वेदना उत्पन्न हो के नष्ट हो गया। वो अतीत का वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ है, स्पर्श बदलने के कारण अतीत का सारे वेदना, स्पर्श बदलने के कारण अतीत का सारे वेदना बदल हो चुका है। इसलिए अतीत का वेदना सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य हुआ है। वो अनित्य अतीत का सारी सुख दुख उपेक्षा वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में उत्पन्न होता है सुख दुख उपेक्षा वेदना। वर्तमान में उत्पन्न होने वाले ये सुख दुख उपेक्षा वेदना भी स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। वर्तमान का सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वर्तमान का सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। आने वाले भविष्य में भी स्पर्श के कारण सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने वाले सारे वेदना स्पर्श बदलने के कारण बदल जाएगा। भविष्य का सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। भविष्य का सारे वेदना अपना वास में नहीं कर सकता। मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले वेदना है, अपने का वेदना सुख दुख उपेक्षा। अपने को मिलने वाली सारी वेदना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए अपना जैसा समझने वाले सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अपना सारे वेदना अपना वास में नहीं कर सकता है। वो वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूसरों को जैसा समझने वाले अन्य सारे वेदना स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण दूसरों को अन्य सारे वेदना बदल रहा है। अन्य सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अन्य सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं,
मेरी आत्मा नहीं। कठोर प्रकार से उत्पन्न होने वाले सारे वेदना स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने से कठोर सारे वेदना बदल रहा है। कठोर वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कठोर प्रकार की सारी वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम सुख वेदना, मुलायम दुख वेदना, मुलायम प्रकार की उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। सारी मुलायम वेदना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। मुलायम सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मुलायम प्रकार की सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। उत्तम वेदना उत्पन्न होता है। उत्तम प्रकार की सारी वेदना स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण उत्तम वेदना बदल रहा है। सारी उत्तम वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उत्तम सारी वेदना, श्रेष्ठ सारी वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नीच वेदना उत्पन्न होता है। नीच प्रकार की सुख दुख उपेक्षा सारे वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल जाता है। नीच प्रकार की सारी वेदना ऐसे है तो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उत्तम जो नहीं है, नीच है, वो नीच वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूर उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा वेदना है। दूर उत्पन्न होने वाले वो सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में उत्पन्न होने वाले सारे सुख दुख उपेक्षा वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। पास की सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। पास में उत्पन्न होने वाले सारे सुख दुख उपेक्षा वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। संज्ञा स्कंद पहचान। अतीत में रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार को पहचान लिया था।
लेकिन वो सारी पहचान संज्ञा स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण नष्ट हो गया। अतीत का सारे संज्ञा पहचान अनित्य हुआ है। वो सारे अनित्य पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, भविष्य में भी इसी प्रकार पहचान जाएंगे। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार को वो सारी पहचान स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होगा। स्पर्श बदलने के कारण बदल जाएगा। भविष्य का सारे संज्ञा पहचान अनित्य है। भविष्य का सारे संज्ञा मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अतीत जैसा वर्तमान में भी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार को पहचानते हैं। संज्ञा ये पहचान स्पर्श के कारण उत्पन्न होकर स्पर्श बदलने के कारण बदल जाता है। वर्तमान का सारे पहचान अनित्य है। बदलने वाले सारे पहचान अपना वश में नहीं कर सकता है। वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले पहचान है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श का, विचार का ये अपना जैसा समझ के पहचानने वाले सारे संज्ञा स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। अनित्य है अपना जैसा समझने वाले सारे संज्ञा अनित्य है। वो सारे संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूसरों को जैसा समझने वाले अन्य सारे संज्ञा पहचान दूसरों का सारे पहचान स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। दूसरों का सारे संज्ञा अनित्य है। वो सारे दूसरों का संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कठोर प्रकार की पहचान है। कठोर संज्ञा वो भी स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। कठोर प्रकार की सारी संज्ञा अनित्य है। कठोर संज्ञा अपना वश में नहीं कर सकता। वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम
मिहिन संज्ञा है। मुलायम प्रकार की सारी संज्ञाएं स्पर्श के कारण उत्पन्न होकर स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। मुलायम सारी संज्ञा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मुलायम प्रकार की सारी संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। श्रेष्ठ संज्ञा है, श्रेष्ठ प्रकार से उत्पन्न होने वाली उत्तम संज्ञा, वो भी स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण श्रेष्ठ प्रकार की सारे संज्ञा बदल रहा है। वो सारे संज्ञा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नीच प्रकार की संज्ञा है, वो नीच प्रकार की सारे संज्ञा स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। नीच प्रकार की सारे संज्ञा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाले नीच संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूर में संज्ञा उत्पन्न होता है, दूर में भी स्पर्श के कारण ही संज्ञा उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण ही संज्ञा बदलते रहता है। ऐसे है तो दूर की सारे संज्ञा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर का सारे संज्ञा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में संज्ञा है, पास में उत्पन्न होने वाले सारे संज्ञाएं स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण पास की सारे संज्ञा बदल रहा है, इसलिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले पास का सारे संज्ञा पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। संस्कार यानी कि चेतना अतीत में रूप देख करके, आवाज सुनकर, गंध सूंघकर, स्वाद लेकर, स्पर्श को महसूस कर, विचार को सोचकर चेतना उत्पन्न कर चुका है। अतीत का वो सारी चेतना स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण बदल गया। से हेतु अतीत का सारे चेतना अनित्य हुआ है, अनित्य हुआ है, अनित्य हुआ है। अतीत का सारे चेतना मेरा वश में नहीं कर पाया, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में उत्पन्न होता है चेतना, अभी उत्पन्न होने वाले सारे छह प्रकार की चेतना
स्पर्श के कारण उत्पन्न होकर स्पर्श बदलते ही चेतना बदल रहा है। वर्तमान का सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वर्तमान का सारे चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। भविष्य में भी रूप पर चेतना उत्पन्न होगा, शब्द पर चेतना उत्पन्न होगा, गंध पर चेतना उत्पन्न होगा, रस पर चेतना उत्पन्न होगा, शरीर का स्पर्श पर चेतना उत्पन्न होगा, मन का विचार पर चेतना उत्पन्न होगा। भविष्य में भी स्पर्श के कारण ही चेतना उत्पन्न होती है, स्पर्श बदलने के कारण चेतना बदल रहा है, बदल जाएगा ज़रूर। भविष्य का सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। भविष्य का चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले चेतना है, अपने आँखों से रूप को रूप पर चेतना करता है, शब्द पर, गंध पर, रस पर, स्पर्श पर, विचार पर चेतना करता है। लेकिन अपना ये सारे चेतना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ है, स्पर्श बदलने के कारण अपना जैसा समझने वाले सारे चेतना बदल रहा है। ऐसे है तो अपना जैसा समझने वाले सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वह सारे चेतना अपना वश में नहीं कर सकता है। मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूसरों को जैसा समझने वाले चेतना है, दूसरे लोग रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार को पहचानते हैं। वो दूसरों की पहचान से उत्पन्न होने वाले चेतना भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूसरों का सारे चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कठोर प्रकार की चेतना उत्पन्न होता है, कठोर प्रकार से कठोर जगह पे उत्पन्न होने वाले सभी चेतना स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण कठोर सारे वेदन चेतना बदल रहा है। इसीलिए कठोर प्रकार के सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो कठोर चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम प्रकार की चेतना उत्पन्न होता है, सारे मुलायम चेतना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने के कारण मुलायम चेतना बदल रहा है। सारे मुलायम चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मुलायम चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। उत्तम श्रेष्ठ प्रकार से समझने वाले चेतना है, वो श्रेष्ठ चेतना भी स्पर्श के कारण ही
उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ प्रकार की सारी चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। श्रेष्ठ प्रकार की सारी चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नीच प्रकार की चेतना उत्पन्न होता है। नीच प्रकार की सारी चेतना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श बदलने के कारण बदल जाएगा। नीच प्रकार की सारी चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे नीच चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूर में रूप शब्द गंध रस स्पर्श पर चेतना उत्पन्न करते हैं। दूर में उत्पन्न होने वाले सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर की सारी चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में उत्पन्न होता है चेतना रूप शब्द गंध रस स्पर्श पर चेतना करता है। पास में उत्पन्न होने वाले सारे चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। विज्ञान स्कंध, ये विज्ञान नाम एवं रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप हमेशा बदलते रहता है। ऐसा है तो बदलने वाले चीजों के कारण उत्पन्न होने वाले विज्ञान अनित्य है, अनित्य हुआ है। अतीत में विज्ञान अनित्य हुआ है। वो सारे विज्ञान अपना वश में नहीं कर पाया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन में विज्ञान उत्पन्न होता है। वर्तमान में भी ये उत्पन्न होने वाले विज्ञान स्पर्श के नाम रूप के कारण उत्पन्न होकर नाम रूप बदलने से बदल जाता है। वर्तमान का सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वर्तमान का सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। भविष्य काल में भी जरूर आँख में, कान में, नाक में, जीभ में, शरीर में, मन में विज्ञान उत्पन्न होंगे। भविष्य में भी नाम रूप के कारण ही विज्ञान उत्पन्न होगा। नाम रूप बदलने से विज्ञान बदल जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाले सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में च इंद्रिया में
विज्ञान उत्पन्न होता है। वर्तमान में भी ये विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप तुरंत बदलने के कारण वर्तमान की विज्ञान बदल रहा है। ऐसा है तो वर्तमान का विज्ञान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वर्तमान का विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले विज्ञान है, अपना जैसा समझने वाले विज्ञान भी नाम रूप के कारण ही तो उत्पन्न होता है। नाम रूप बदलने से अपना विज्ञान बदल रहा है। ऐसे है तो अपने विज्ञान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले अपने विज्ञान है, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, क्योंकि वो कभी भी विज्ञान अपना वश में नहीं कर सकता है। वह सही है, दूसरों को जैसा समझने वाले विज्ञान भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। दूसरों को जैसा समझने वाले अन्य विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूसरों के अन्य सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कठोर छह इंद्रिया में उत्पन्न होने वाले विज्ञान है, वो सारे कठोर विज्ञान भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होकर नाम रूप बदलने के कारण बदल जाता है। ऐसा है तो कठोर प्रकार के विज्ञान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो कठोर सारे विज्ञान अपना वश में नहीं कर सकता। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम प्रकार की विज्ञान उत्पन्न होता है। मुलायम मुलायम शरीर में, मुलायम मुलायम कारण पे उत्पन्न होने वाले विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है एवं नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। मुलायम सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मुलायम सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। श्रेष्ठ जैसा मानने वाले उत्तम विज्ञान होता है। वो उत्तम विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। उत्तम सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। उत्तम सारे विज्ञान श्रेष्ठ विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। नीच विज्ञान है, नीच इंद्रियां उत्पन्न होने वाले नीच विज्ञान, वो भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होकर नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। ऐसे है तो नीच प्रकार की सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है,
अनित्य हैं। नीच विज्ञान अपना वास में नहीं कर सकता। वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। दूर उत्पन्न होने वाले विज्ञान है, दूर दूर में उत्पन्न होने वाले सारे विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। दूर की सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर की सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में उत्पन्न होने वाले विज्ञान है, वो पास में उत्पन्न होने वाले विज्ञान भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होकर नाम रूप बदलने के कारण बदल जाएगा। पास की सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। पास की सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य होने वाले सब कुछ अपना वश में नहीं कर सकता है। वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्य होने वाले, तुरंत बदलने वाले, नष्ट होने वाले ये पंच उपादान स्कंध कभी भी अपना वश में नहीं कर सकता। इसलिए ये पंच उपादान स्कंध अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बदलने वाले पंच उपादान स्कंध मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं।